हमारा YouTube चैनल सरस्वती कॉमर्स एकेडमी। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 12 की अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 6, जो कि हमारा सीयूईटी की हमारी फोर्थ यूनिट है। इससे जो पहले वाले जो सीयूईटी की हम 3 यूनिट जो है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जो हमारी अकाउंटेंसी के पहले 5 चैप्टर्स है वो हमारे उसके अंदर आते हैं, ठीक है। तो उसके जो प्लेलिस्ट है वो अलग से क्रिएट है, तो आप वहां से चेक कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी टॉपिक समझना है या क्लास 12 का कोई भी टॉपिक समझना है तो आप उसमें आसानी से समझ सकते हैं। तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक है, जो चैप्टर नंबर 6 है, क्या है वो? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। इस चैप्टर के अंदर हम देखेंगे कि डिसोल्यूशन क्या होता है, पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन किस तरीके से होता है और पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन किस तरीके से होता है। तो डिसोल्यूशन का मतलब क्या है? खत्म होना। अब सबसे पहले ये भी 2 तरीके हैं इसके अंदर, क्या बताया उसमें? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, एक और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अब देखो, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप यानी कि सिर्फ पार्टनरशिप खत्म हो रही है, पार्टनरशिप फर्म नहीं खत्म हो रही है। सिर्फ जो पार्टनर्स के बीच में जो पुराना एग्रीमेंट है वो खत्म हो रहा है, नया एग्रीमेंट जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप रेफर्स टू टर्मिनल, टर्मिनल खत्म होना होता है, ठीक है। टर्मिनल ऑफ ओल्ड पार्टनरशिप एग्रीमेंट, जो पुराना एग्रीमेंट होता है वो क्या हो जाता है? बस खत्म हो जाता है। हमारी फर्म जो है वो कंटिन्यू चलती रहती है, बुक्स है वो भी कंटिन्यू रहती है, बुक्स को हम क्रॉस नहीं करते हैं। अब ये ऐसा किस वजह से होता है? अब या तो हम अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर ले जो हमारे एग्जिस्टिंग पार्टनर्स है, ठीक है। जैसे पहले वो इक्वली बांट रहे थे प्रॉफिट और लॉस, अब मान लो उन्होंने अपना चेंज कर लिया। अब मान लो पहले इक्वली ए और बी 2 पार्टनर थे, 1:1 थी, अब ए ने 2:1 कर ली, ठीक है। यानी कि ए की रेशियो कितनी होगी? 2, और 1 की जो बी है उसकी रेशियो कितनी होगी? 1। और क्या है? एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, यानी कि कोई नया पार्टनर हमारे बिजनेस में आ रहा है या कोई पार्टनर रिटायर होकर हमारे बिजनेस से जा रहा है, तो होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। अब बात आती है कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म क्या है, कि अब पार्टनरशिप फॉर्म ही बंद हो रही है, ठीक है। पार्टनरशिप फॉर्म जो है वो क्या हो गई? क्लोज हो गई है, ठीक है। डिसोल्यूशन फॉर्म मीन्स टर्मिनेशन ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है। पार्टनरशिप खत्म, ठीक है, अमंग ऑल पार्टनर ऑफ द फर्म, यानी कि अब जो फर्म है वो पूरी तरीके से क्लोज हो जाएगी, ठीक है। किसी भी रीजन से जो फर्म है उसको हम बंद कर सकते हैं। हमारे पास काफी सारे मोड्स हैं, वो जो हम अगली वीडियो सेशन में भी हम डिस्कस भी करेंगे कि क्या क्या मोड्स हैं और क्यों जो है हम इसका डिसोल्यूशन करते हैं। अब देखो, अगर मान लो इसका डिसोल्यूशन हो जाता है पूरी पार्टनरशिप फॉर्म का, तो क्या होता है? जितने भी हमारे पास असेट्स होती है उसको हम सेल कर देते हैं, और जो हमारी लाइबिलिटीज होती है, जो हमें पे करना है किसी को, उसको हम पे करेंगे। जो हमने आउटसाइड पार्टी से लोन लिया उसको पे करेंगे, पार्टनर से जो लोन लिया उसको पे करेंगे, पार्टनर्स की जो कैपिटल में हमें देना है उनको, उनके सेटलमेंट करेंगे, ठीक है। तो हम इस तरीके से इसके सेटलमेंट करते हैं। तो ये तो मेन जो था वो आपका इंट्रोडक्शन था कि डिसोल्यूशन क्या होता है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म जो है वो किस किस तरीके से होते हैं। तो फटाफट यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे जो हम इसका नेक्स्ट टॉपिक जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है? मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, यानी कि पार्टनरशिप फॉर्म का अगर हमें डिसोल्यूशन करना है तो उसके क्या क्या तरीके हैं, ठीक है। तो उसमें फर्स्ट तो क्या है? विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट, यानी कि कोर्ट की इंटरवेंशन की, कोर्ट के दखल अंदाजी की कोई जरूरत नहीं है। पार्टनर्स अपने आप ही फॉर्म का क्या कर देते हैं? डिसोल्यूशन कर देते हैं। आगे क्या है? डिसोल्यूशन बाय ऑर्डर ऑफ कोर्ट, की अगर मान लो फॉर्म का डिसोल्यूशन हो रहा है लेकिन कोर्ट की हेल्प से, ठीक है, कोर्ट उसके अंदर अपनी इंटरवेंशन कर रहा है, इंटरफेयर कर रहा है, क्योंकि वो जरूरी हो जाता है। आप देखो, फर्स्ट है इसमें विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट में, कि अगर हमें कोर्ट की कोई इंटरवेंशन की जरूरत ना हो। व्हेन ऑल पार्टनर एग्री टू डिसॉल्व द फर्म, सारे पार्टनर्स ने एग्री किया कि हमें फर्म का डिसोल्यूशन करना है, हमें अपनी फर्म बंद करनी है, तो अपनी मर्जी से वो बंद करें। ये सेक्शन 40 के अकॉर्डिंग है। अगर आपको सेक्शन याद रह जाता है तो पेपर में लिखिए, अदरवाइज गलत लिखने की जरूरत नहीं है, मार्क्स कट जाएंगे। नेक्स्ट क्या है? कंपल्सरी डिसोल्यूशन, कि जब डिसोल्यूशन करना कंपल्सरी हो जाता है कि अब तो इसको बंद करना ही पड़ेगा, ये सेक्शन 41 के अकॉर्डिंग है। इसके अंदर ये 2 कंडीशंस आपको बता रखी हैं, व्हेन ऑल, या तो सारे के सारे पार्टनर, या फिर और एक्सेप्ट वन, या फिर एक को छोड़ के, या सारे के सारे या फिर एक को छोड़ के, ठीक है, एक पार्टनर को छोड़ के जो कि हमारी फर्म का बिकम इंसॉल्वेंट, वो इंसॉल्वेंट है, यानी कि पैसों की आगे पेमेंट करने के जो है कैपेबल नहीं रहते, उनके पास पैसे नहीं है, इंसॉल्वेंट हो गए हैं, अब आगे वो किसी भी चीज की जो है आगे पेमेंट वगैरह नहीं कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, व्हेन बिजनेस ऑफ द फर्म बिकम अनलॉफुल, यानी जो हमारा बिजनेस चल रहा है वो अब गैर कानूनी हो गया है किसी ना किसी तरीके से, तो उसको जो है बंद करना पड़ेगा ना। अब आगे क्या है? ऑन द हैपनिंग ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स, या इसमें से कोई एक कंडीशन के फुलफिल होने पे तो भी हमें पार्टनरशिप का क्या करना पड़ता है? डिसोल्यूशन करना पड़ता है फॉर्म का। ऑन द फुलफिलमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द फॉर्म फॉर विच द फॉर्म वॉज फॉर्म, यानी कि जिस ऑब्जेक्टिव के लिए हमने अपनी फॉर्म को बनाया था वो ऑब्जेक्टिव हमारा पूरा हो गया है, ठीक है, तो इसलिए अब हमें अपनी फॉर्म को
मन करना पड़ेगा। मान लो हमने 50 लाख का प्रॉफिट अर्न करना था, 50 लाख का अब हम प्रॉफिट अर्न कर चुके हैं, ठीक है अभी हमने कर लिया, तो अब हम अपनी फॉर्म को बंद कर लेंगे, या कोई भी हमारा ऑब्जेक्टिव हो सकता है। नेक्स्ट ऑन द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड फॉर विच द फॉर्म वॉज फॉर्म, यानी कि हमारा जो पीरियड है टाइम पीरियड, मान लो हमने कहा था कि हम 5 साल तक ही अपना बिजनेस करेंगे, 5 साल हमारे हो गए, अब हमें अपने बिजनेस को बंद करना पड़ेगा। नेक्स्ट है बाय नोटिस, यानी कि जब और किसी तरीके से ना हो कि हाँ भाई हमें इतना टाइम पीरियड ना बताए, या कोई ऑब्जेक्टिव हमने कोई खास ना बनाया हो, कोई भी जो पार्टनर है वो नोटिस देके जो है फॉर्म का डिसोल्यूशन कर सकते हैं। तो ये तो है विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट। अब बात आती है कि डिसोल्यूशन बाय ऑर्डर ऑफ कोर्ट, की कोर्ट के ऑर्डर से, व्हेन अ पार्टनर हैज बिकम ऑफ अनसाउंड माइंड, या अगर कोई भी पार्टनर जो है अनसाउंड माइंड यानी कि पागल वगैरह हो जाता है, अब उसका जो दिमाग है वो अपना काम करने में नहीं रहता है, तो हमें अपने बिजनेस में नुकसान ही होगा फिर तो। नेक्स्ट, व्हेन अ पार्टनर हैज बिकम परमानेंटली इनकेपेबल ऑफ परफॉर्मिंग हिज ड्यूटी एज अ पार्टनर, यानी कि अभी कोई पार्टनर ऐसा है कि अब वो आगे से अपनी ड्यूटी जो है एज अ पार्टनर अब अच्छे से अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर सकता, या तो वो बीमार हो गया या किसी भी और रीजन से। नेक्स्ट, व्हेन अ पार्टनर इज फाउंड क्वालिटी ऑफ मिसकंडक्ट, यानी कि उसको दोषी पाया जाता है, दैट मे हार्म द पार्टनरशिप, और वो पार्टनरशिप को, जो हमारी पार्टनरशिप उसको नुकसान पहुंचाएगा, ठीक है हमें ऐसा लगता है, या फिर उसने नुकसान पहुंचा दिया है हमारी पार्टनरशिप को, तो हम अपना बंद ही कर देते हैं कि आगे हमें लॉस हो, इससे बढ़िया अभी बंद कर देंगे हम, ठीक है। अभी इसमें जो है ये कोर्ट हमें ऑर्डर देता है कि आपको अगर कोई अनसाउंड माइंड है तो भी पार्टनर नहीं होना चाहिए, या फिर अगर कोई पार्टनर जो है इनकैपेबल है, बाकी से कोई काम नहीं कर सकता तो भी, और आगे क्या है पार्टनरशिप जो है अगर कोई भी ऐसे क्वालिटी ऑफ मिसकंडक्ट, कोई भी दोषी पाया जाता है, व्हेन द कोर्ट फाइंड्स दैट द डिसोल्यूशन ऑफ फर्म इज जस्टिफाइड एंड इक्विटेबल, अगर कोर्ट को लगता है कि हाँ भाई फर्म को बंद करना ही ठीक है तो वो बंद जरूर करेगा उसको। नेक्स्ट है, व्हेन अ पार्टनर कंसिस्टेंटली एंड डेलिबरेटली कमिट्स ब्रीच ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट, जो हमने एग्रीमेंट बनाया था उस एग्रीमेंट के किसी ना किसी पार्ट को उसने क्या कर दिया, ब्रीच कर दिया यानी कि तोड़ दिया, उसके अकॉर्डिंग उसने काम नहीं किया तो भी इसको बंद कर दिया जाएगा, ठीक है। तो डिसोल्यूशन बाय ऑर्डर ऑफ कोर्ट में ये सारे पॉइंट्स आएंगे, एक आधा पॉइंट जो है आपकी बुक में और भी हो सकता है, लेकिन अगर आप इतने भी लिख देते हैं तो भी सफिशियंट है। तो ये क्या है मोड से इसके कि हाँ भी आप किस तरीके से जो पार्टनरशिप फॉर्म है उसको क्लोज कर सकते हैं। तो यहाँ तक का फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे जो है हम इसके डिफरेंस के बारे में, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म के डिफरेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारे पास है वो है डिफरेंस, ठीक है। अब डिफरेंस किस चीज का है, डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। अब मैंने जो है आपको पहले इसका मीनिंग बता दिया है, तो वहां से भी जो है काफी सारे पॉइंट्स इसमें कवर हो जाते हैं। अब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में क्या है कि हम भी किसी नए पार्टनर के आने से या किसी पार्टनर के जाने से, ठीक है, या फिर जो है एग्जिस्टिंग पार्टनर है वो अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कोई चेंज करे, तो उसकी वजह से हमारा जो पुराने वाला एग्रीमेंट है वो खत्म हो जाता है, नए वाला एग्रीमेंट जो है स्टार्ट हो जाता है। एग्रीमेंट में कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती है, तो इसमें यही मीनिंग है, इट इज द ओनली चेंज इन द प्रेजेंट एग्रीमेंट। अब जो एग्रीमेंट में ही चेंज होता है, द फर्म में कंटिन्यू, अब हमारी फर्म जो वो कंटिन्यू चलती रहती है इसमें। अब देखें डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में क्या है कि जो हमारी फर्म है वो जो है सारी बंद हो जाती है, उसके अंदर जितनी भी एसेट्स होती है वो हम बेच देते हैं, लाइबिलिटीज की क्या कर देते हैं, पेमेंट कर देते हैं। इट इज द डिसकंटिन्यूअस ऑफ ऑल द बिजनेस एक्टिविटीज ऑफ द फर्म। आगे अगला पॉइंट क्या है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, इसके अंदर तो जो बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज नहीं किए जाते, लेकिन इसके अंदर जो है फर्म ही बंद हो गई है तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी क्लोज कर दिए जाएंगे। नेक्स्ट है कोर्ट्स इंटरवेंशन, अब जो है एग्रीमेंट ही तो चेंज कर दे, इसके अंदर कोर्ट के इंटरवेंशन की जरूरत नहीं है, देयर इज नो इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट, लेकिन इसके अंदर कोर्ट के इंटरवेंशन की जरूरत हो सकती है। मैंने आपको दो तरीके बताए थे कि विदाउट द कोर्ट इंटरवेंशन भी काम चल जाता है और कोर्ट के अकॉर्डिंग भी काम हो सकता है इसके अंदर। नेक्स्ट पॉइंट है अफेक्ट्स ऑन एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, असेट्स आर रिवैल्यूड एंड लाइबिलिटीज आर रीअसेस्ड बाय प्रिपेयरिंग रिवैल्यूएशन अकाउंट। हम इसमें देखने के लिए कि एसेट्स की क्या वैल्यू है, लाइबिलिटीज की क्या है, हम पुराने वाले चैप्टर्स में एडमिशन और रिटायरमेंट वाले में क्या बनाते थे, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते थे कि एसेट्स की कितनी वैल्यू बढ़ी है कितनी घटी है, इसी तरीके से लाइबिलिटीज की कितनी वैल्यू इंक्रीज हुई डिक्रीज हुई रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते थे। लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म वाले में हम क्या बनाते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं, जितने भी एसेट्स होती है वो हम सारी ट्रांसफर कर देते हैं, लाइबिलिटीज को ट्रांसफर कर देते हैं, देखते हैं कि हाँ भी कितने में सेल हुई कितने में नहीं। तो इसके अंदर जो है पार्टनरशिप वाले में तो क्या बनता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट, इसके अंदर क्या बनता है, रियलाइजेशन अकाउंट। ये आगे जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि रियलाइजेशन अकाउंट किस तरीके से बनता है, तो आप यहां तक का फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है
सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स इन केस ऑफ डिसरिजन ऑफ फर्म सेक्शन 48 में ये बात बताई गई है कि हम किस तरीके से अकाउंट्स की सेटलमेंट करते हैं। अब देखिए ट्रीटमेंट ऑफ लॉसेस की, अगर हमारे पास लॉसेस हो जाते हैं तो सेक्शन 48 सब सेक्शन ए, ठीक है, ये क्या है सब सेक्शन ए में क्या बताया गया कि अगर लॉसेस हो जाते हैं तो जो लॉसेस है अब हमें उसको कवर करना है, तो जो हमारे पास प्रॉफिट है तो हम सबसे पहले वहां से कवर करेंगे, फिर हम कैपिटल में से जो पार्टनर्स की कैपिटल है उसमें से कवर करेंगे, लास्टली इफ नेसेसरी अगर फिर लास्ट में जरूरत पड़ जाती है बाय द पार्टनर इंडिविजुअली इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, फिर जो पार्टनर्स हमारे पास होते हैं तो जो उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है तो जितना भी लॉस बाकी कवर करना है उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से हम कवर कर लेते हैं। तो ये लॉस को कवर करने के हमारे पास तीन रास्ते हैं, प्रॉफिट में से, कैपिटल में से, और उनकी ही जो खुद की जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उनसे हम मंगवा लेते हैं। नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ असेट्स, एप्लीकेशन ऑफ असेट्स यानी किस तरीके से करते हैं, सेक्शन 48 सब सेक्शन बी में क्या बताया गया है, टू पे द फॉर्म्स डेट। अब जो फॉर्म का डेट है, जो आउटसाइड पार्टी को जो हमने लोन पे करना है, सबसे पहले अगर हमारे पास पैसे आते हैं उनकी पेमेंट करते हैं, फिर बाद में क्या करते हैं टू पे द पार्टनर्स लोन, फिर पार्टनर से जो लोन लिया हुआ उसकी पेमेंट करते हैं, टू पे द कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स, जो पार्टनर्स की कैपिटल है फिर उसकी पेमेंट करते हैं, और फिर बाद में अगर कुछ सरप्लस यानी कुछ एक्स्ट्रा बच जाता है तो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, किसमें, अमंग द पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। तो फिर पार्टनर्स में उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो सबसे पहले आउटसाइड जो लोन ले रखा है उसकी पेमेंट, फिर पार्टनर के लोन की, फिर उनके कैपिटल की, फिर जो कुछ बच रही है उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में प्रॉफिट समझ के डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ तक का फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे जो है हम इसके रियलाइजेशन अकाउंट को बनाना सीखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है कि हम किस तरीके से अब यहाँ पे जो है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं डिसरिजन ऑफ फॉर्म की। अब हमें जो है फोर मेन अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं इसके अंदर। जो फर्स्ट है हमारे पास रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं, फिर हम पार्टनर्स का लोन अकाउंट बनाते हैं, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट और कैश और बैंक अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। तो जो है सबसे पहले तो जैसे हम पहले क्या बनाते थे, रिवेल्यूएशन अकाउंट बनाते थे, उसके अंदर हम देखते थे एडमिशन और रिटायरमेंट के टाइम पे की जो हमारी असेट्स और लाइबिलिटीज है कि आज के टाइम में उनकी क्या वैल्यू है। अब रियलाइजेशन अकाउंट हम क्यों बनाते हैं, क्योंकि हमें अपनी फर्म का डिसोल्यूशन करना है, हमें फर्म जो है वो बंद कर देनी है। अगर हम फर्म को बंद करेंगे तो जितनी भी एसेट्स होगी उसको हम क्या करेंगे, सेल करेंगे, और जो हमारी लाइबिलिटीज है हमें उनकी क्या करनी है, पेमेंट्स करनी है, ठीक है। अब हम असेट्स को बेचेंगे तभी तो लाइबिलिटीज को पेमेंट करेंगे ना हम अपनी, ठीक है। तो हम यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट में ये सब ट्रांसफर करते हैं, फिर हम बनाते हैं पार्टनर्स का लोन अकाउंट। अगर मान लो कि फर्म ने पार्टनर से लोन लिया हुआ है तो उसकी वो भी पेमेंट करेगी, और उसके लिए अलग से हम सेपरेट अकाउंट बनाते हैं, वो हम रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर नहीं लिखते। आगे क्या है, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जो भी रिजर्व्स वगैरह है वो सब हम ट्रांसफर कर देते हैं, या फिर जो भी हमने हमारे लॉसेस होते हैं वो सब हमने उनसे कवर करने हैं, वो सब देखते हैं। कैश और बैंक में हमारे पास जो यानी कि जो जितनी भी इनकम हमारे पास रिसीव हुई है वो लिखते हैं, और जितने भी हमारे पास से खर्चे हुए वो लिखते हैं। और हमारे जो क्वेश्चन का हमें पता कैसे लिखते हैं कि सही हुआ है गलत, इन दोनों जो भी दो साइड होती है इसकी डेबिट और क्रेडिट दोनों का टोटल क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। तो इसमें तो मेन बात ये है। तो सबसे पहले हम इसका फॉर्मेट समझते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट का क्या होता है, किस तरीके से बनाते हैं, क्या इसकी जर्नल एंट्रीज होती है। आप देखो कि सबसे पहले ये होती है हमारे पास डेबिट साइड, और ये होती है हमारे पास क्रेडिट साइड। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डेबिट साइड के अंदर जितनी भी हमारे पास असेट्स होती है कैश को छोड़ के, या फिर जो हमारे पास ये जो लॉसेस वगैरह होते हैं उन सभी को छोड़ के, बाकी जितने भी हमारे पास असेट्स होती हैं एक्सक्लूडिंग कैश बैलेंस और फिक्टिशियस असेट्स को छोड़ के, ठीक है, सारी असेट्स, बाकी तो हम सारी की सारी असेट्स लेते हैं लेकिन एक्सक्लूड, लेकिन लेते किसको नहीं है, ना तो कैश बैलेंस को लेते हम, ना ही ऐसे बैलेंस को लेते कि जिसको जो है मनी में कन्वर्ट वगैरह जो है अभी नहीं किया जा रहा है, ठीक है, उनको भी नहीं लेते हैं। और जो डेबिट बैलेंस है पीएनएल का, अब आपको पता होगा कि पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस क्या होता है, प्रॉफिट होता है, और पीएनएल का डेबिट बैलेंस क्या होता है, लॉस होता है। तो हम इनको नहीं लेते हैं क्योंकि बैलेंस शीट में होती है वैसे तो ये, लेकिन हम इनको लेंगे नहीं, ठीक है। तो अगर जो भी हमने ट्रांसफर करनी है, पहले तो जितने भी बैलेंस शीट में जो भी असेट्स होती है ट्रांसफर करने के लिए कहाँ ट्रांसफर करेंगे, सारी असेट्स को यहाँ पर ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। आप देखो कि अगर हमें लाइबिलिटीज ट्रांसफर करनी है, असेट्स यहाँ ट्रांसफर करते हैं ना हम बैलेंस शीट से, अब लाइबिलिटीज जितनी भी होती है हमारी वो हम क्रेडिट साइड में करते हैं, ये डेबिट साइड होती है, क्रेडिट साइड होती है ना, पर्टिकुलर अमाउंट ये क्रेडिट साइड में सारी की सारी लाइबिलिटीज ट्रांसफर कर देते हैं, लेकिन जो है रिजर्व्स वगैरह जो होते हैं वो हम ट्रांसफर नहीं करते, ना ही जो है पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस क्या होता है प्रॉफिट, ना वो करते हम इसके अंदर, ठीक है। अब देखो कि अगर हमारे पास जो भी एसेट्स होती है, कई एसेट्स पे हम प्रोविजन बना के रखते हैं,
तो जो प्रोविजन है वो हम असेट्स के साथ जो है यहाँ पर नहीं लिखेंगे, इसके अंदर सिर्फ हम ग्रोस वैल्यू लिखेंगे। जैसे कि डेटर्स के साथ प्रोविजन होता है ना, तो डेटर्स की जो वैल्यू है वो तो हम लिख देंगे यहाँ पे असेट साइड में, लेकिन जो उसके रिगार्डिंग जो प्रोविजन बना हुआ है उसको हम कहाँ पे लिखेंगे, उसको हम यहाँ पे क्रेडिट साइड में लिखेंगे। जितना भी प्रोविजन बना हुआ है आपका वो सारा यहाँ आ जाएगा, चाहे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हो या फिर प्रोविजन किसी भी तरीके का हो, डेप्रिसिएशन का हो, मशीनरी का हो, जो भी है। लिखना कहाँ पे है हमें, यहाँ पे लिखना है बाय प्रोविजन ऑन माई असेट्स, ठीक है, बाय प्रोविजन ऑन असेट्स सच एज प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, जितना भी प्रोविजन वगैरह है वो सब आपको यहाँ पर लिखना है। तो असेट्स ट्रांसफर करेंगे यहाँ पर, लाइबिलिटीज ट्रांसफर करेंगे यहाँ पर, प्रोविजन ट्रांसफर करेंगे वो भी क्रेडिट साइड में, ठीक है। आगे क्या होता है अब इसके अंदर, ठीक है, यहाँ तक तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ ही गया होगा। अब देखो असेट्स ट्रांसफर करी हमने यहाँ पे, अब जो है असेट्स का जो पैसा मिलेगा, और इसमें मेन बात और होती है, जो भी हम डेबिट साइड में जितनी भी एंट्री करते हैं उसके साथ टू का यूज करते हैं, क्रेडिट साइड में जितनी भी एंट्रीज करते हैं उसके साथ हम बाय का यूज करते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे बाय बैंक या कैश अकाउंट, जो भी है यहाँ पे हम लिख देते हैं। बैंक भी लिख सकते हो, कैश भी लिख सकते हो, वो आपकी विषय है, या फिर जो आपके क्वेश्चन में आपको बोला है, जो आपकी असेट्स यहाँ पे ट्रांसफर करी थी वो आपने बेचने के लिए ट्रांसफर करी होगी। अब आपके पास पैसा आएगा, तो जो पैसा आएगा असेट्स को बेचने से जो भी पैसा आता है वो आप यहाँ पे क्रेडिट साइड में लिख दोगे, ठीक है। अब देखो कि जो बाय बैंक या कैश अकाउंट हमने यहाँ पे ये नहीं लिखना बाय सेल ऑन असेट्स, नहीं, वो आप नीचे नरेशन दोगे कि यहाँ पे ये बाय बैंक आपने यहाँ पे क्यों लिखा है। अमाउंट रिसीव्ड ऑन रियलाइजेशन ऑफ असेट्स, आपने असेट्स को रियलाइज कराया है, आपने असेट्स को सेल किया है, तो उसके वजह से आपके पास यहाँ पे पैसा आया है। यहाँ पे बाय बैंक अकाउंट दोबारा फिर लिखा हुआ, आपके पास दोबारा पैसा आया है, कहाँ से आया, अमाउंट रिसीव फ्रॉम अनरिकॉर्डेड असेट्स, ऐसी असेट्स जिसको रिकॉर्ड नहीं किया गया है, लेकिन अब आपने जो है अनरिकॉर्डेड असेट्स, लेकिन आपके पास असेट्स तो थी, आपने उसको सेल किया, तो वहां से आपके पास पैसा आ गया। अगर आपने असेट्स को बेचा है तो बाय बैंक की एंट्री करोगे या बाय कैश की एंट्री करोगे। कई बार ऐसा होता है कि जो आपका पार्टनर होता है कोई भी, ठीक है, वो क्या करता है सेटलमेंट के बदले ये अपने जो असेट्स वगैरह है वो ट्रांसफर अपने उसमें करवा लेता है। अगर कोई पार्टनर असेट्स लेता है, आपने बेची नहीं, आपने किसी पार्टनर को दी है, तो वहां पे बाय बैंक नहीं लिखोगे, वहां पे आप लिखोगे बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। रीजन क्या दोगे आप यहाँ पे, असेट्स टेकन ओवर बाय पार्टनर, की जो पार्टनर है उसने असेट्स ली है। अब आ जाओ यहाँ पे तो हमारे पास पैसा आया था क्रेडिट साइड में, अब जो लाइबिलिटीज है आपने उसकी भी तो पेमेंट करनी होगी, तो उसमें क्या करोगे, टू बैंक या कैश अकाउंट, अमाउंट पेड फॉर डिस्चार्जिंग लाइबिलिटीज, आपने लाइबिलिटीज के अमाउंट को पे किया है, टू बैंक या कैश अकाउंट दोबारा फिर लिखा हुआ है, ये अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज है, जैसे वहां पे अनरिकॉर्डेड असेट्स थी वैसे यहाँ पे अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है। नेक्स्ट टू बैंक अकाउंट फिर किया गया, इसके रिलेशन में क्या दिया गया, एक्सपेंसिस ऑन रियलाइजेशन, एक्सपेंसेस भी तो होते हैं रियलाइजेशन, असेट्स को क्लोज करना, यहाँ से सब कुछ सेटलमेंट करना, किसी की फीस पेमेंट करना, तो उसके अंदर जो है आपके काफी सारे खर्चे होते हैं, तो वो भी आपकी पेमेंट करनी पड़ती है। जैसे किसी पार्टनर ने असेट्स ली थी, वो आपने क्या किया था, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर ऐसे ही लाइबिलिटीज कोई पार्टनर टेक ओवर कर लेता है, तो हम उसके लिए क्या लिखते हैं, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, लाइबिलिटीज टेकन ओवर बाय द पार्टनर, ठीक है। अब देखो कि अगर मान लो कि जो है आपने क्रेडिट साइड का टोटल कर दिया, डेबिट साइड का टोटल कर दिया, अगर क्रेडिट साइड का टोटल जो है डेबिट साइड के टोटल से ज्यादा है, मान लो इसका टोटल आया 2000, इसका टोटल आया 1000, ठीक है, इसका कम आया ना, अगर जो है क्रेडिट का टोटल ज्यादा होता है डेबिट के टोटल से, तो हमें प्रॉफिट होता है, तो वो प्रॉफिट हम पार्टनर्स में बांट देंगे, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर इसके अपोजिट हो जाता है, डेबिट साइड का टोटल खर्चा ज्यादा हो जाता है और इतने पैसे हमारे पास आते नहीं है, तो हमें क्या होगा, लॉस होगा, वो भी हम उसमें ट्रांसफर कर देंगे बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, नरेशन लिख देंगे फॉर ट्रांसफरिंग लॉस ऑन यूटिलाइजेशन। अब बात आती है कि आप इसकी जर्नल एंट्रीज किस तरीके से करोगे, बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में जितनी भी आइटम्स है उसकी वजह से आपका रियलाइजेशन अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा, ठीक है। जितनी भी आइटम्स जो है आपकी क्रेडिट साइड में है उसकी वजह से रियलाइजेशन अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। अब देखो सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट लिख दो, यहाँ पे क्या लिखोगे, अब आपने डेबिट में तो लिख दिया, क्रेडिट साइड पे क्या लिखोगे, टू असेट्स या फिर टू सेंडरी असेट्स आप यहाँ पे लिख दोगे, आपने ट्रांसफर करी है। नेक्स्ट हम इसमें क्या करेंगे कि जो इसमें क्या होता है कि जो भी क्रेडिट साइड में जो आपकी एंट्रीज होती है रियलाइजेशन अकाउंट, उसमें क्या होता है, क्रेडिट होता है, तो हम क्या करेंगे, लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो इस तरीके से डेबिट और क्रेडिट में ऐसे एंट्रीज होती हैं। तो अभी आप यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे जो है हम इसके एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे।
अभी हमारे पास एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, उसमें क्या बताया गया है कि ए और बी जो है वो अपना प्रॉफिट और लॉस जो है वो 3:2 में वो शेयर कर रहे हैं, ठीक है। उनकी बैलेंस शीट दे रखी है 31 मार्च 2018 की, ये बैलेंस शीट है हमारे पास। क्रेडिटर्स हैं, कैपिटल्स उनकी दे रखी है ए और बी की। यहाँ पे कैश का बैलेंस है, डेटर्स है, डेटर्स के ऊपर प्रोविजन जो है वो माइनस कर रखा है। प्रोविजन माइनस करने के बाद ये वाली अमाउंट है, ये स्टॉक है, मशीनरी है, लैंड एंड बिल्डिंग है, दोनों साइड का टोटल इक्वल है। आगे जो है पार्टनर ने डिसाइड किया है कि डिसॉल्व करना है फॉर्म को, यानी कि फॉर्म का डिसोल्यूशन करना है। असेट्स जो है रिलाइज करी गई है। अब असेट्स की वैल्यू क्या है जिसपे मतलब वो बेची गई है, स्टॉक जो है वो 45,000 पे सोल्ड कर दिया, मशीनरी जो है जितनी वैल्यू इसकी बुक वैल्यू कितनी है यहाँ पे 40,000 है, उसमें से 20% पे कम पे सेल करी गई है, यहाँ पे लेस देन लिखा है ना, तो 40,000 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइड बाय 100 हम अगर हम कर देंगे यहाँ पे 40,000 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइड बाय 100 अगर हमने इसको किया तो जो हमारे पास आया 8,000 आया। तो 40,000 जो है, 40,000 की जो मशीनरी है उसमें से 8,000 वो कम पे भी गई, यानी कि 32,000 में मशीनरी जो है सेल हुई है। डेटर्स कितने के सोल्ड हुए हमारे, वो है 35,000 के। बिल्डिंग जो है 30,000 मोर देन द बुक वैल्यू, बिल्डिंग की वैल्यू कितनी है 1,20,000, अब उसमें 30,000 और उसमें जो है एड कर दो, क्यों, क्योंकि उसकी वैल्यू जो है बढ़ गई है। क्रेडिटर्स ने एग्री किया कि वो जो है एक्सेप्ट कर लेंगे 5% लेस। अब हमें क्रेडिटर्स की पेमेंट करनी होती है क्योंकि हमने उससे उधार लिया होता है, तो 5% अब हमने उन्होंने क्या कहा है कि हाँ भी हम 5% कम पे ही लेंगे। आपने जो है रियलाइजेशन करने के कुछ एक्सपेंसेस किए वो कितने हैं, 1,200 है। तो सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट को अगर हम ओपन करें तो जितने भी हमारे पास असेट्स हैं उसको हम डेबिट साइड में ट्रांसफर करते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे जो है हम कैश बैलेंस को तो ट्रांसफर करते नहीं, अब डेटर्स के साथ जो प्रोविजन होता है, प्रोविजन कहाँ ट्रांसफर करते हैं, क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। तो जो प्रोविजन है वो हम कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे, क्रेडिट साइड में कर दिए 1,800 से। जो डेटर्स है, जो डेटर्स की जो ओरिजिनल अमाउंट है वो हम डेबिट साइड में ट्रांसफर कर देंगे। आगे हमने स्टॉक ट्रांसफर कर दिया, आगे जो है मशीनरी जो है 40,000 की ट्रांसफर कर दी, लैंड एंड बिल्डिंग जो है 1,20,000 की वो हमने यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया। क्रेडिट साइड में यहाँ पे तो हमने सारी एसेट्स ट्रांसफर कर दी, क्रेडिट साइड में हम सारी जो है लाइबिलिटीज है उनको ट्रांसफर करते हैं। लाइबिलिटीज में क्या है, क्रेडिटर्स है, तो क्रेडिटर्स जो है 20,000 के वो हमने यहाँ पे ट्रांसफर कर दिए। प्रोविजन वाला जो है हम पहले कर चुके हैं। अब जो है हमारी असेट्स जो सेल हुई है, असेट्स को जब सेल होती है उसको क्या करते हैं, बाय बैंक अकाउंट लिखते हैं। अब नरेशन में इसका लिखते हैं असेट्स रिलाइज। अब कितने कितने असेट्स कौन कौन सी वैल्यू पे सेल हुई है हमारी, यहाँ पे जो स्टॉक है वो 45,000 में यहाँ पे सेल हुआ है लिख दिया, मशीनरी की वैल्यू जो है वो 40,000 की थी, 40,000 में से जो है 20% वो कम पे भी किए तो 8,000 माइनस कर देंगे तो 32,000। अब डेटर्स की सेटलमेंट कितने में हुई, 35,000 में, और बिल्डिंग पहले वैल्यू इसकी 1,20,000 थी, 30,000 और इसकी वैल्यू बढ़ गई है तो 1,50,000। तो ये जो है इन सभी का टोटल करके 2,62,000 हमारे पास आ गया है। इन सभी का क्या कर देंगे, टोटल 2,83,800 हमारे पास आ जाएगा। अब हमने करनी है यहाँ पे, वो तो असेट्स के तो पैसे हमें मिले हैं, अब ये जो है क्रेडिटर्स के पैसे अब जो हमें पे करने हैं वो हम यहाँ पे लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट। अब हमने यहाँ पे दो बार क्यों लिखा है, एक बार तो हमने क्रेडिटर्स की पेमेंट करी है, एक बार हमने एक्सपेंसेस की पेमेंट करी है। जो हमारे एक्सपेंसेस थे रियलाइजेशन के वो तो कितने थे, 1,200 थे, और जो क्रेडिटर्स की पेमेंट है वो क्या कही गई है, यहाँ पे क्रेडिटर्स 20,000 के थे, इन्होंने कहा है कि 5% हम चलो कम पे ले लेंगे, तो 20,000 का अगर हम 5% निकालते हैं तो हमारा 1,000 आता है, ठीक है। 1,000 जो है वो कम पे लेंगे तो 20,000 में से अगर हम 1,000 को माइनस करें तो 19,000 की हमने उनको पेमेंट करी है। तो इन सभी का टोटल कर देंगे यहाँ पे, और यहाँ तक की अमाउंट का हम टोटल करके हमारा जो डिफरेंस आया वो 8,800 का आया। अब क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, टोटल ज्यादा है तो इस वजह से हमें प्रॉफिट होगा, वो हम प्रॉफिट उनके पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डाल देंगे ए और बी में, ठीक है, कौन सी रेशो में, 3:2 में। अब जो है 8,800 का अब हम सबसे पहले कर देंगे 3/5 और 8,800 का हम कर देंगे 2/5। ये ए के अकाउंट में चला जाएगा, ये बी के अकाउंट में, तो इसमें अमाउंट आई 5,280 और बी के अकाउंट में गई 3,520। अब आगे इसके बाद रियलाइजेशन अकाउंट बन गया, इसके बाद हमने बनाना होता है पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट में हम यहाँ से क्रेडिट साइड से स्टार्ट करते हैं, बाय बैलेंस ब्रोट डाउन, जैसे आप रिवेल्यूशन अकाउंट में पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाते थे। तो ये जो है 1,50,000 और 90,000 ये इसकी वैल्यू है। अब रियलाइजेशन में इनको क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है 5,280 का और 3,520 का, बस सिर्फ इनको एड कर दो और यहाँ पे जो है फाइनल पेमेंट हमने इनको इतनी कर दी टू बैंक अकाउंट में। अब आगे क्या बनाते हैं इसके बाद, बैंक अकाउंट या फिर कैश अकाउंट।
सबसे पहले क्या है कि जो हमारा कैश का बैलेंस है, जो हमारे पास जितनी भी आइटम्स यहाँ पे आती हैं जिससे हमें कैश रिसीव हुई है वो हम डेबिट में लिखते हैं, जो भी खर्चा है वो हम क्रेडिट में लिखेंगे। तो बैलेंस ब्रॉट डाउन ये कहाँ से आएंगे, कैश का बैलेंस है तो कैश का बैलेंस है तो कैश में लिखेंगे 7000। तो रियलाइजेशन अकाउंट, जो भी असेट्स को सेल करने से हमारे पास पैसा कहाँ से आया, सिर्फ इसमें यहीं से आया है ना, असेट्स को सेल करने से 2,62,000 का, इनको ऐड कर देंगे 2,69,000 आ गया। अब आगे जो है, अब जो पेमेंट करी है, पेमेंट हमने क्या क्या करी है, पेमेंट यहाँ से हमने करी है 19,000 की टू बैंक अकाउंट में क्रेडिटर्स के लिए पेमेंट करी है, 1,200 की हमने कहाँ पे पेमेंट करी है, एक्सपेंसेस की पेमेंट करी है, और ए और बी को कैपिटल अकाउंट में हमने कितने कितने पैसे दिए हैं, 1,55,280 ए को दिए, 93,250 जो है हमने बी को दिए। तो ये सेटलमेंट हमने यहाँ पे कर देनी है। अब हम देखेंगे कि टोटल हमारा इक्वल आया है कि नहीं, अगर इक्वल आता है तो ये हमारा क्वेश्चन जो है बिल्कुल करेक्ट होता है। तो इस तरीके से रियलाइजेशन अकाउंट और जो बाकी इसके जो नेसेसरी अकाउंट है वो हमारे बन जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो चैप्टर नंबर 6 है और यूनिट नंबर 4 सीयूईटी की यहीं पे कंप्लीट होती है। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो